एक अनार 100 बीमार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कुर्सी के लिए पीटीआई में धड़ेबंदी। पीएसी सरबराही के लिए 3 नाम आ गए, ओहदे के लिए खींचा तानी। पीटीआई से आवाज आई, क्या अब इतनी बड़ी कुर्सी पर मरवत बैठेगा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा भी मैदान में आ गए। सरदार लतीफ खोसा सबसे अलग, हामिद खान के नाम की माला जपते रहे। लतीफ खोसा भूल गए कि हामिद खान सेनेटर हैं और चेयरमैन पीएसी नहीं बन सकते। हामिद खान का नाम लेने पर लतीफ खोसा खिसियानी हंसी हंसे और अपनी भूल करार दिया। मिलियन डॉलर सवाल, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? स्पीकर अयाज सादिक का मामला 2 रोज में हल करने का दावा। कहा पीएसी ओपोजिशन को देने की रिवायत चाहते हैं। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अजलास 29 अप्रैल को होगा। अजलास पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। आईएमएफ वफ्द का अगले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। दौरे में नए कर्ज प्रोग्राम पर मुजाकरात किए जाएंगे। कराची के मारूफ ताजर आरिफ हबीब की वजीर आजम को सियासी मशवरे। कहने लगे, वजीर आजम साहब, आपने पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लिया, 2 हाथ और मिलाए। भारत समेत पड़ोसी ममालिक से हाथ मिलाएं, अडियाला के बासी से भी हाथ मिलाएं। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह तक पहुंचाया, बिजली की कीमत में कमी करें, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं, भूल जाएं सूबों में किसकी हुकूमत है। सऊदी सरमाकारों का बड़ा वफ्द आ रहा है, उनसे मिलें, कारोबार करें, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत आपको मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आज़म की कराची में कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, तरक्की की दौड़ में पीछे हैं, मुल्क आगे लेकर जाना है। वज़ीर आज़म ने वफाकी और सिंध काबीना से भी खिताब किया। शहबाज शरीफ की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, नौजवानों से मुल्क की खिदमत करने का हलफ लिया। वफाक ने फंड्स नहीं दिए, 4 साल नई स्कीमों में सिंध को नजरअंदाज किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर आजम से शिकवा। कहा, सिला मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए सिंध हुकूमत ने 25 अरब जारी किए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने 1 पैसा नहीं दिया। शहबाज शरीफ की तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। कराची के लिए 150 बसें देने का भी ऐलान। फौजी अदालत केस 9 रुकनी बेंच सुनेगा या 6 रुकनी? 6 रुकनी बेंच ने मामला फिर प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया। फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब नोट लिखने वाले जज नहीं उठे तो हम क्यों बेंच से उठ जाएं? दौरान समात हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्ला न्याजी आपदीदा हो गए। कहा, मेरा बेटा लापता है, मुलाकात नहीं कराई जा रही, मुझे रात को नींद नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने हसन न्याजी की तफसीलात मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पुलिस अहलकार गलत काम करे तो मुअत्तल कर देते हैं, क्या एजेंसियों में कोई जवाबदेह है? एजेंसियों में खुद एहतसाबी के अमल की तफसीलात तलब। कहा, कोई दहशतगर्द है तो एक्शन लें, मावराए अदालत कार्रवाई न करें। कमीशन उन्हीं के साथ काम करता है जिन पर इल्जाम है। रमजान पैकेज की तशहीरी मुहिम, 2 बड़े अफसरों को निगल गई। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और DGPR ने गलत अहकाम मानने से इनकार किया, दोनों को ओहदे से हटा दिया गया। जरा के मुताबिक चैनल 7 नामी प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया, पैसों के लिए दबाव डाला गया तो अफसरान ने कहा कि नैब केस बन जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सिफारिशात पर 15 करोड़ की मुहिम चलाई गई। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान का मुश्तरका ऐलामिया जारी, दोनों ममालिक का सियासी और सिक्योरिटी तआवुन पर इत्तफाक। तआवुन का मकसद दहशतगर्दी और स्मगलिंग रोकना है। दौरे में कई MOUs और माहदों पर दस्तखत हुए। ईरानी सदर की सिविल और अस्करी क्यादत से मुलाकातें हुईं। इब्राहिम रईसी ने लाहौर और कराची का भी दौरा किया। कब से ओवर बिलिंग हुई, किसने करवाई? वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लेस्को का तमाम सर्कल्स में अरबों की ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला। इकदामात ना करने वाले अफसरान की निशानदही करने का हुक्म। ग्रेड 20 के अफसरान की सरबराही में कमेटियाँ तश्कील। तहकीकती कमेटियों को 15 रोज में रिपोर्ट फराहम करने के अहकाम जारी।
मोटरवे पुलिस अहलकार पर गाड़ी चढ़ाकर फरार होने वाली खातून गिरफ्तार। खातून को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। 1 जनवरी को खातून को इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर पुलिस अहलकार ने रोका था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी जुर्म करार। कम उम्री की शादी पर वालिदैन को 3 साल कैद होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब ने सजा तजवीज़ कर दी। होम सेक्रेटरी नूरुलमीन मेंगल ने भी कल इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्को। नाबीना अफराद का नौकरियों के लिए एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए चेयरिंग क्रॉस लाहौर पर धरना। मरकजी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जिले इंतजामिया पुलिस की जानब से मुजाकरात। मुजाहिरीन ने डीसी ऑफिस जाने से साफ इनकार कर दिया। क्लिफ्टन साहिल पर खुदकुशी का वाकया ड्रामा निकला। रेस्क्यू और ईदी अहलकार 2 दिन समुंदर में लाश ढूंढते रहे। समुंदर में कूदने वाला नौजवान घर पहुंच गया। 2 शादियां करने वाले नौजवान ने बीबी को डराने के लिए ड्रामा रचाया था। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। चंद रोज में गंदम से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गंदम की खरीदारी के लिए सूबों को खतूत इरसाल कर दिए हैं। वज़ीर आज़म किसानों को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए मुतहर्रिक हैं। वफाकी वज़ीर ख़ुराक राणा तनवीर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा निगरान हुकूमत के दौर में गंदम दरामद की गई। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कम आमदन वाले बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदेही। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इकदामात का हुक्म। कई अमरीकी जामियात में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कोलंबिया, येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मुजाहरे। MIT मिशिगन यूनिवर्सिटी के तलबा का भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। स्टैनफर्ड ब्रिकले के तलबा भी सड़कों पर आ गए। फलस्तीनी परचम उठाए, फलस्तीनी तरानों पर रक्स किया। एहतजाजी तलबा का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। पुलिस ने येल यूनिवर्सिटी के 50 तलबा गिरफ्तार कर लिए। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के तलबा भी जेर हिरासत। और पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बेसहारा और यतीम बच्चों को मैच देखने की दावत। 140 बच्चे स्टेडियम में बोर्ड के मेहमान होंगे। मोहम्मद रिजवान सीरीज से बाहर हो गए। डॉक्टरों का 2 से 4 हफ्ते आराम का मशवरा।